गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए, पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। ध्यान के साथ अब प्रार्थना शुरू करें। मार्गदर्शन पाने के लिए सभी आंखें बंद करें। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी दो दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं
कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा, आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। वह कर्म संकेत है, वह बल है, इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Who are you? पिछले घंटे जो कार्य किए, खुद को क्या मानकर किए? स्वयं से सवाल पूछें। जो भी करो, जागृति में करो, हंस बनकर करो। परमहंस की पहचान अंदर पाकर करो। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं जो हूँ वही बनकर निर्णय लूँ। लोगों की बातें, हाव भाव, निर्णय, दिखावटी सत्य देखकर स्वयं को भूल न जाएं। रियलिटी जो सत्य है उसी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसी की ही अभिव्यक्ति करनी है। हे परमात्मा, हर व्यक्ति स्वयं को पहचान कर भक्त बनकर प्रार्थना करे। सभी के कोरे कागज पर हे परमात्मा आप साइन करें। खाली होकर सब खुलकर खिलकर जीवन जिए, इस तरह प्रार्थना करें। और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए अंत में धन्यवाद दें, दिल से खुलकर खिलकर धन्यवाद दें। जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें से गलतियां निकाल कर अपनी हानि न करें। सबको यह मार्गदर्शन मिले, सभी इस मार्गदर्शन पर सच्चाई से चलें। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें।
जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।